मोहना कृष्णा इंदिरा गांधी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का एक टैलेंटेड डायरेक्टर है, जिन्हें 2004 से शुरू करके अभी तक की कई सारी सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं। और डायरेक्टर मोहना ने नेशनल फिल्म अवार्ड, नंदी अवार्ड, गोल्लापुदी श्रीनिवास अवार्ड जीता है। तो दोस्तों, आज मैं डायरेक्टर मोहना का बॉक्स ऑफिस का एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप हो डायरेक्टर मोहना के फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, ग्रहणम। ये 2004 का फिल्म है और इसमें तानिकल्ला वाडानी और जया ललिता लीड रोल में हैं। और ये फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है और इसका IMDb रेटिंग मिला 8/10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 2, माया बाजार। ये 2006 का सोशल फैंटेसी फिल्म है और इसमें राजा बेल भूमिका चावला लीड रोल में है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 3, अश्ता चम्मा। ये 2008 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें नेचुरल स्टार नानी स्वाति श्रीनिवास लीड रोल में है। इसमें लावण्या ने प्रिंस महेश बाबू से प्यार करते हैं और इसी वजह से वो महेश नाम की एक लड़का से शादी करने की फैसला करती है और कहानी में कैसे एक ट्विस्ट आते हैं वह इसमें दिख रही है। और इसमें नानी का परफॉर्मेंस फिल्म को काफी अलग लेवल तक ले गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.4/10 और जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ 2 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 8 करोड़, वर्ल्ड कलेक्शन है 10 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 4, गोलकोंडा हाई स्कूल। ये 2011 का स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और इसमें सुमंत स्वाति रेड्डी लीड रोल में है। इसमें गोलकोंडा हाई स्कूल का प्लेग्राउंड को ट्रस्टीज ने बंद करने की कोशिश करते हैं और इसी केस से जुड़ा कर एक स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट को इसमें दिखाई है और इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है और जहाँ पर इसका बजट था 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 8 करोड़ और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 5, अंधा का मुंडू आतरवा था। ये 2013 का रोमांटिक फिल्म है और इसमें सुमन अश्विन एशा लीड रोल में है। इसमें अनिल और अनन्या दोनों ने कैसे शादी करने से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने के प्लान करते हुए इसमें दिखाई है और ये फिल्म साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट फिल्म कैटेगरी पर नॉमिनेटेड हुआ था और ये फिल्म 50 डेज तक सक्सेसफुली रन भी किया है और जब इसका बजट था 2 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 8 करोड़ और फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 6, बांदी पोटू। ये 2015 का हिस्ट कॉमेडी फिल्म है और इसमें अलरी नरेश एशा लीड रोल में है। इसमें जाह्नवी कैसे विशा की मदद से अपने बाप के साथ हुआ बिट्रे का बदला लेने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई है और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 7, जेंटलमैन। ये 2016 का रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है और इसमें नेचुरल स्टार नानी को डबल रोल में नजर आई है और साथ में निवेदा थॉमस अशुर भी लीड रोल में है। इसमें ऐश्वर्या और कैटरीना दोनों ने एक ही जैसे देखने वाले दोनों लड़का से प्यार करते हैं पर बाद में एक एक्सीडेंट से गौतम का मरने के बाद कैसे कहानी में एक ट्विस्ट आता है वह इसमें दिखाई है और ये फिल्म उस वक्त का काफी पॉपुलर फिल्म रहा और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.1/10 और जहाँ पर इसका बजट था 12 करोड़, इंडियन कलेक्शन रहा 32 करोड़, वर्ल्ड कलेक्शन रहा 38 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 8, आमी थूमी। ये 2017 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें आधे विशेष एक शार्लेट ड्रामा है। इसमें दो कपल ने अपने पेरेंट्स का फीलिंग्स को तोड़े बिना कैसे अपने अपनी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.6/10 और जहाँ पर इसका बजट था 3 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 10 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 9, सम्मोहनम। ये 2018 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें सुधीर बाबू अदिति राव हैदरी लीड रोल में है। इसमें एक कार्टूनिस्ट विजय जो फिल्मी दुनिया को नफरत करते हैं पर बाद में वो कैसे एक एक्ट्रेस समीरा की प्यार में पड़ जाते हुए इसमें दिखाई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.6/10 और इसका हिंदी डब्ड लिंक YouTube पर अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसका बजट था 10 करोड़, बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है 16 करोड़ और फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 10, वी। ये 2020 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें नेचुरल स्टार नानी सुधीर बाबू निवेदा थॉमस आदित्य राव लीड रोल में है। इसमें दोनों लीड कैरेक्टर के बीच में एक खतरनाक बिल्लर चूहे वाला ट्विस्ट दिखाई गई है जहाँ पर सुधीर बाबू को एक पुलिस ऑफिसर और दूसरी तरफ नानी को एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल के रोल में नजर आई है
और नानी ने हर व्यक्ति की मर्डर करके वी साइन छोड़ जाते हैं और इसी मिस्ट्री से जुड़ा कर पूरी फिल्म को दिखाई है। और फिल्म का सेकेंड हाफ का काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला है और जहाँ पर इसका बजट था 20 करोड़, OTT प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म सोल्ड हुआ है 35 करोड़ में। तो दोस्तों, आपको वी फिल्म कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये रहा डायरेक्टर मोहना कृष्णा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और इस तरह के बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।